स्वागत है आप सभी का कमौटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट रवि देवरा जी जुड़ चुके हैं जो कि कुंवरजी ब्रोकिंग से हैं। आपका स्वागत है रवि जी हमारे शो में। कच्चे तेल पे सबसे पहले फोकस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पिछले एक घंटे में जबरदस्त स्ट्रेंथ आई है। $79 के पास, $89 के पार हमने इसे जाते हुए देखा है। 4 अक्टूबर के बाद के हाईएस्ट लेवल्स हैं। घरेलू बाजार में 300 रुपए की स्ट्रेंथ आ गई है। 4-4% अक्रॉस ऑल द बेंचमार्क्स इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। जरा बताइए कैसे संकेत मिल रहा है और अब यहां से इसे ट्रेड कैसे करना है? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। जैसे हमने मॉर्निंग में भी बात की तब मैंने 6900 का कॉल ऑप्शन बाय दिया था। मुझे लग रहा है कि तेजी जारी रह सकते हैं। पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा रिस्क है एंड साथ में जो चाइना से पैकेज की भी एक्सपेक्टेशन है और जल्दी से वहां पे स्टॉक मार्केट स्टेबिलिटी के लिए या मार्केट के लिए इकोनॉमी बूस्टर आ सकता है। तो इस हिसाब से कच्चे तेल में कच्ची रेले मेजरली जियो पोलिटिकल टेंशन आई थिंक वहां पे वर्क कर रहे हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि तेजी जारी रह सकते हैं। बट अभी नई स्ट्रेटेजी के लिए आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 7100 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 160 के करीब बाय करें। 120 का स्टॉप लॉस और अपर साइड 240 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, तो वोलेटिलिटी भरपूर है, फिर से स्ट्रेंथ आई है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यहां पर गहराता दिख रहा है और ईरान की तरफ से कुछ चेतावनी भरे डेवलपमेंट्स और बयान भी आते हुए नजर आए हैं इसराइल की तरफ एंड ऑफकोर्स जो अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शन प्रोग्राम है उनका रशिया को लेकर वो और तेज होता हुआ दिखाई दिया। तो ये दो बड़े फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने कच्चे तेल को पुश किया है। 7100 की कॉल खरीदनी, 160 के पास, 120 का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब गोल्ड में क्या करना है? जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में $1900 के पार का लेवल छू चुका है, 2 वीक्स हाई पर है। घरेलू बाजार में भी अच्छी स्ट्रेंथ है, 450 रुपए की मजबूती वहां दिखी है। क्या करना है सोने में? जब से सोने में भी तेजी रहेगी, सेम फैक्टर सेम वहां पे रेशनल से पर्टिकुलर जब तक जियो पोलिटिकल रिस्क समाप्त नहीं हो गए, ये ऐसी कॉमोडिटी है जहाँ पे थोड़ा सेफ एवन बाइंग रहेगा। साथ में कल के उछाल के बाद आज डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी येन दोनों स्टेबल है तो इसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो गोल्ड के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 58,200 पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए बिलो 58,000। अपर साइड लग रहा है कि 58,720 तक के लेवल आपको एक से दो ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। ये तेज इंटैक्ट है जब तक ये जियोपॉलिटिकल रिस्क का डेवलपमेंट है, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये अपवर्ड तेजी जारी रहेगी। साथ में ट्रेजरी एंड अगर डॉलर में यहाँ से अगर ज्यादा तेजी नहीं दिखती, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी तेजी शॉर्ट टर्म में भी आ सकती है जो प्राइसेस को करीबन 59,500 के लेवल करीब ले जा सकती है। तो पूरी पूरी स्ट्रेंथ की संभावनाएं दिख रही है और वैसे भी सोने के लिए जो ये हफ्ता है वो 7 महीनों में सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी 2.5 से 3% की वीकली गेन्स यहां पर दिखाई दे रही हैं। चांदी का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, जरा बताइए यहां पर भी 750-800 रुपए की स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिख चुकी है घरेलू बाजार में, यहां क्या करना है? चांदी में जो बेस मेटल में दबाव है इस हिसाब से इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा। ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिविटी का बना हुआ है, कोई ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। मुझे लग रहा है कि वहां थोड़ा डिप पे बाय करें अराउंड 69,620 के करीब अगर प्राइसेस मिलते हैं इंट्राडे में वहां पे बाय का कॉल लेना है, स्टॉप लॉस 69,200 का। और मुझे लग रहा है कि एक सीमित अपसाइड 70,500 तक के लेवल तक दिख सकती है। ओके, तो एक लिमिटेड गेन्स ही रहेंगे, थोड़ा बहुत जो भी फायदा मिल रहा है वो गोल्ड की ही सेफ हेवन अपील का मिल रहा है। अच्छा, सिंस आपने मेटल्स का जिक्र किया, मेटल्स इतना भाग नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इंतजार है कि चीन की तरफ से वो जो 1 ट्रिलियन युआन के नए पैकेज की बात हो रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो वो खर्च करने वाले हैं वो कब तक आएगा, अभी कुछ टाइमलाइन क्लियर नहीं है। प्रॉपर्टी सेक्टर का तो दिक्कत है ही यहाँ पे। जरा बताइए मेटल्स में, कॉपर में क्या करना है? मेजरली ये स्टिमुलस, इतने सारे स्टिमुलस 3 महीने में चाइना ने दिए बावजूद कि इकोनॉमी में कुछ रिवाइवल नहीं, इसका क्लियर इंडिकेशन आज के पीपीआई एज वेल एज सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा थे जो हमने मॉर्निंग में बात की थी। तो जब तक ये डेटा में रिवाइवल नहीं आता तब तक कोई बड़े फंडामेंटल चेंज के पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहे। अगर कुछ स्टिमुलस आता है टेम्पररी बाउंस आ सकता है बट वो सस्टेनेबलता भी होगा जब चाइना में अक्रॉस द बोर्ड वहां पे तेजी दिखे। अभी जिस हिसाब से जियो पोलिटिकल टेंशन एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वाली बातें चल रहे तो लग रहा है कि प्राइसेस सबड्यूड रहेंगे, मिक्स परफॉर्मेंस रहेगा। ये गिरावट में मुझे लग रहा है कि जिंक में अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकता है। जिंक में बेचे 220-250 के करीब, 222 का स्टॉप लॉस, 217 तक के लेवल दिखने चाहिए।
ओके, जिंक में यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा. ऑफ कोर्स हमने देखा है जो स्टील प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट का डेटा आया है उसने यहाँ पर गिरावट दर्ज की ऑलमोस्ट 20-29% के आसपास की. एंड हमने देखा है कि यहाँ पर आयरन ओर है, तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली दूसरे जो कंस्ट्रक्शन मेटल्स हैं उस पर भी अपना प्रभाव छोड़ रही हैं. अच्छा, नेचुरल गैस पे फोकस करेंगे. अच्छा खासा हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा था 9 महीने की ऊंचाई पर थी इसकी कीमतें, $4 के काफ़ी करीब चली गई थी. उसके बाद से करेक्शन आया लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में, अभी भी 2% नीचे है. क्या ये खरीदारी का मौका है या जो तेजी आनी थी आ गई एंड इट्स ओवर नाउ? जरूर से ये खरीदारी का ही मौका है. मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये अप ट्रेंड जारी रह सकता है. पर्टिकुलर जो नेचुरल गैस के प्राइसेस शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एक फर्म रहेंगे 270 के करीब. एक बार आप बाय का मौका ढूंढे और शॉर्ट टर्म में बाय लें, कोई भी वीकनेस नहीं है. ये शायद शॉर्ट का मीन्स के इतना ज्यादा शॉर्ट कवरिंग थी उसके बाद मुनाफा उस लिए. सेकंड जो मेजर चीज है वो ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 2 रिपोर्ट सिर्फ अभी तक हम इन्वेंट्री पे फोकस कर रहे थे. अभी आपको फोकस में रखना है वो वेदर रिपोर्ट जो एवरी वीकेंड को आएगा. आज भी लेट इवनिंग वेदर रिपोर्ट यूएस का आएगा. अभी इसमें अगर कूलर वेदर के एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी तब ही प्राइस में कुछ उछाल देखने को मिलेगा, अदरवाइज वोलेटिलिटी जारी रहेगी. तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा स्टॉप लॉस दूर रखे, 262 का स्टॉप लॉस रखे, 270 पे बाय करे, 282 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए. ओके, तो वापस 280 के पार जाता हुआ दिखाई देगा. डिप्स पे खरीदारी बिल्कुल बनती, 262 का एक स्टॉप लॉस लगाए. अच्छा, अब आपसे करेंसी पे बात करनी थी. डॉलर इंडेक्स अब यहाँ पर कैसा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस हफ्ते तो अच्छी खासी पिटाई हो गई, बाउंस बैक की आज भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कोई स्ट्रेंथ यहाँ दिखी नहीं. अभी भी एक दायरे का ट्रेड ही 106.50 के आसपास. तो डॉलर इंडेक्स अब किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? मेरे हिसाब से ऑल ओवर डॉलर इंडेक्स में जो अपवर्ड जर्नी है वो तब तक जा रहा है कि जब तक ग्लोबल ये डेवलपमेंट जियोपॉलिटिकल रिस्क वगैरह चल रहे तब तक वहां पे स्ट्रेंथ रहेगी, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे, एग्री बास्केट एंड वेजिटेबल प्राइसेस नीचे आए. इस हिसाब से मार्केट में थोड़ी रिलीफ है कि इन्फ्लेशन के डेटा कूल हो गए. हालांकि कल जो सीपीआई इन्फ्लेशन के यूएस के रीडिंग आए, सीपीआई बढ़ के आए एंड पर्टिकुलर फेड ने अब तक नहीं बोला है कि वो लोग रेट पॉज या रेट रिवर्सल के लिए सोच रहे हैं. तो जब तक फेड से कोई बड़ा इंडिकेशन नहीं मिलता तब तक बड़ी वीकनेस की एक्सपेक्टेशंस नहीं है. नेक्स्ट हफ्ते वीक फेड चेयर की स्पीच भी है, उस स्पीच से काफी कुछ क्लियर होगा. बट तब तक मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स स्टेबल एंड पॉजिटिव रह सकता है. 106.20 के करीब चल रहा है स्पोर्ट. मुझे लग रहा है कि 107 तक पीए डॉलर इंडेक्स जा सकता है. ओके, तो कुछ स्ट्रेंथ की संभावना है, बट ऑफ कोर्स हम लगातार जो बयान सुन रहे हैं फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, अब यही देखना होगा कि आगे निर्णय किस प्रकार का लेते हैं. अच्छा, एग्री स्पेस पे थोड़ा फोकस करते हैं. आज जीरा हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, 54,800 के पार है, 1,200 रुपए की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है. क्या हो रहा है यहाँ पे और अब करना क्या है जीरे में? वोलेटिलिटी काफी सीवियर है. पर्टिकुलर लास्ट वीक में जो मंडे ट्यूसडे की बड़ी करेक्शन देखने को मिली, बाद में 2 दिन से थोड़ी स्टेबिलिटी है एंड पर्टिकुलर आज के दिन में अच्छी स्ट्रेंथ के साथ वहां पे कारोबार हो रहा है. हालांकि मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में कोई बड़ा अप ट्रेंड होगा नहीं, क्योंकि अभी अक्टूबर मिड से जो सोइंग के डेटा आने स्टार्ट हो गए एंड पर्टिकुलर 19-20 के बाद सोइंग होगी जीरा की और उसके नवंबर तक रिपोर्ट आने स्टार्ट हो गए. तो सोइंग के डेटा इनिशियली काफी बड़े हो गए क्योंकि जो भाव चल रहा है और फार्मर्स का सोइंग का रुझान काफी रहेगा. तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी ज्यादा टिकाऊ नहीं है. 56,500 ये मैक्सिमम वहां पे जा सकते हैं, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, फिर से 54-53 के रेंज में प्राइसेस आ सकते हैं. Okay, तो मुनाफा वसूल करने का मौका यहाँ डेफिनेटली मिल रहा है 56,500 के पास. और अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो अभी आपको करना होगा इंतजार, थोड़ा और करेक्शन आएगा तभी आपको यहाँ पर एंट्री का मौका मिलेगा. धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में कहाँ कहाँ है कमाई के मौके. और हमारे दर्शकों को बता दें, त्योहारी सीजन तो आ चुका है और गोल्ड की शॉपिंग भी अब शुरू हो चुकी है. हम आपको बताएंगे कि ज्वेलरी खरीद के दौरान आपको सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए. सोने के सिक्के, सिल्लियां, जब आप खरीदारी करते हैं तो कैसे करें, हॉलमार्क को कैसे पहचाने. हमारा एक खास शो है सिक्का ज्वेलरी बार, कैसे ले इस त्योहार. 4:26 पर मिस मत करिएगा. इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे न्यूज़ लाइव.